और यहाँ खबर शामिल करते चले मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साहबजादे जुनेद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ के दरमियान तलाक हो गई। इससे कबल जुनेद सफदर और आयशा सैफ की तलाक के हवाले से सोशल मीडिया पर चहमगोइयां की जा रही थी। तहम अब तलाक की तस्दीक खुद जुनेद सफदर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करके की। आपको बताते चलें, जुनेद सफदर ने लिखा कि मेरी तलाक के हवाले से चलने वाली खबरें सच हैं। ये इंतहाई निजी मामला है, इसलिए मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि हमारी प्राइवेसी का एहतराम करें। आपको बताते चले, जुनेद सफदर ने मजीद लिखा कि मुझे उम्मीद है इस फैसले से हम दोनों को सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। इस बारे में मजीद कुछ नहीं बोलूंगा। अपने नाज़रीन को आगाह करते चले, जुनेद सफदर और आयशा सैफ दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में मुंसलिक हुए थे। तहम अब दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है। और अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के साहबजादे जुनेद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ के दरमियान तलाक हो गई। तलाक की तस्दीक खुद जुनेद सफदर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके की।